नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। प्रधान व सचिव ने मिलकर किया गौशाले का बंटाधार। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत साड़ा के प्रधानपति व सचिव की मिली भगत के चलते आए दिन हो रही गोवंशों की मौत का है। ग्रामीणों की सूचना पर मीडिया बंधुओं के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो वहां लगभग 6 गोवंश मरे हुए के साथ साथ कई बहुत ही बीमार खड़े होने के लायक भी नहीं है। ऐसी गोवंश की दुर्दशा देख जब इस संबंध में प्रधानपति से बात की गई तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर ग्राम सभा के सचिव से इस संबंध में उनका पक्ष जानने के लिए फोन संपर्क करना चाहा, परंतु सचिव शिवलाल का फोन रिसीव नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस गौशाला में प्रधानपति द्वारा नाबालिग बच्चे से भी काम कराया जाता है। इस संबंध में प्रधानपति से बात की तो प्रधान ने गोलमाल जवाब देते हुए कोई भी सही जवाब नहीं दिया। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। ये कौन सा गाँव है? साड़ा है। ग्राम सभा का ये गांव की समस्या क्या है? जो है गौशाला की क्या गौशाला की समस्या ये है कि उनको चारा दिया नहीं जाता, पानी बिल्कुल जानवर घूम रहे हैं, पानी भी चरही से नहीं पा रहे हैं। चरही की कंडीशन देख रहे हो, बोदा और गोबर इनमें हिल जाते हैं, पाते नहीं तो कूद जाते हैं और मर रहे हैं। और भूखों के मारे दो चार छः झाल डाल दिया, इतने जानवरों को क्या होता है? हरा घास मिल रहा है गायों को? नहीं मिल रहा है। दवा दारू कुछ हो रही है इनके? यहाँ कोई नहीं हो रही है। ये जो गायें जो है कुछ मरी पड़ी हैं, कुछ घायल पड़ी हैं, तो इनके जो है मतलब कोई ट्रीटमेंट करने, इलाज करने कोई आता है? डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आता? तो इस बात को जो है प्रधान से आपने सूचना दिया? प्रधान को बताया? सूचना दिया, सचिव से भी कहा जी कि यदि इनको अंदर किए हो तो इनकी सुरक्षा करो और नहीं इनको ढील दो, क्यों पाप ले रहे हो? साफ सफाई यहाँ कौन करता है? अब साफ सफाई जिसको वो प्रधान कर दिया हो, आते नहीं यहाँ। वो जो मेहतर के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो करीबन कितने साल के बच्चे होंगे वो जो यहाँ कार्य करते साल के हैं? 8 साल? दस साल के? 8 साल वही यहाँ काम करते हैं? वही काम। ये जानवर जो ये मर जाते हैं तो ये कहाँ फेंकवाता है? दफनवाता है कि फेंकवा देता है? गंदा नाला के किनारे, रोड के बिल्कुल किनारे, इतनी बदबू कि यात्री वहाँ से निकलते हैं तो मुंह बांध के गाड़ी या गिरे या फंसे कुछ हो। भविष्य बेटा ये वाले बताइए, 30 आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। और आप काम करते हैं? जबरदस्ती से काम करवाया जाता है कि जो है मर्जी से करते हैं आप? कितना पैसा मिलता है बेटा आपको? 6000 आपको देते हैं? महीना में देते हैं कि रोज देते हैं? कौन करवाता है आप? प्रधान करवाता है। अच्छा, तो रोज जाते हैं आप? कई बजे से कई बजे तक करते हैं काम? रोज नहीं, जैसे मतलब आप घर में हमारे काम करे लागे थी। हाँ। तो चाहिए, तो हम चाहिए। अच्छा, मतलब जो है एक दिन छोड़ के अगर पढ़ने वढ़ने भी पढ़ते भी हो? अच्छा, पढ़ने चले गए तो लेट लपाट काम पे जाते हैं। चलिए, देखा है जो जिंदा गाय उनको कौआ जिंदे में कोल रहे थे, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे जो जानवर मान लो बीमार है उसको बोरा ढका दिया, कुत्ते गाय जिंदा है और कुत्ते गाय उसको हटा दिए, जब मर जाएगा जानवर तब तो फेंकवाऊंगा कि जिंदा फेंकवा दूँ? तो बताइए, जैसे जानवर बीमार है और इस तरह की स्थिति में डॉक्टर आता है, डॉक्टर को बुलाता हूँ, दवा कर दिया और कह के चला गया वो। और एक ये है कि गाँव वाले ने आरोप लगाया कि जो गाय मरती हैं उसको खुले में फेंका देते हैं या उनको दफनाई जाती हैं? अरे वो तो दफनाने दफनाने के लिए ज्यादा कहीं ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो गौवन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कितनी गाय का हुआ है? 125। गौवन से कहे 125 हुआ है, और अभी हाल में कितने हैं? 120 लमसम होंगे। और गाँव वाले के ये भी गाँव वाले रोज जब छोड़ कर चले जाते हैं लड़ाई डाले, इसके बाद फिर घर के घर से छोड़ देता है। एक गाय के लिए कितना पैसा आता है सरकार? 30 रुपये प्रति जानवर। अभी आज तक पैसा नहीं आया, थोड़ा वाला जो पैसा आया तो वो सब दे दिया।
व्यवस्था है। अब मैं तो एक हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपने घर से खिला रहा हूँ किस तरह से अपने कारोबार से। ये सवाल क्या नाम है भैया आपका? इंद्रजीत सिंह। ये कौन सा गांव है? साणा। साणा है ये गौशाला की है, क्या समस्या है यहाँ की? समस्या बस यही आपके सामने है।